जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, जिसका रास्ता केंद्र की सत्ता तक पहुंचता है, उसी यूपी का इस बार मोदी सरकार 3.0 में कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उत्तर प्रदेश से सिर्फ 10 मंत्री ही मोदी सरकार में अपनी जगह बना पाए हैं। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के खाते से 10 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जबकि मोदी सरकार 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश से 15 मंत्री बने थे। हालांकि पिछली बार से कम मंत्री होने के बावजूद नई सरकार में बाकी राज्यों से इतर यूपी से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश से 10, बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, कर्नाटक से 5, मध्य प्रदेश से 4, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 2, राजस्थान से 4, पंजाब से 1, गोवा से 1, केरल से 2, तमिलनाडु से 1, ओडिशा से 2, दिल्ली से 1, छत्तीसगढ़ से 1, जम्मू कश्मीर से 1, हरियाणा से 3, अरुणाचल प्रदेश से 1, असम से 1। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन 10 मंत्रियों को मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनमें राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, कीर्ति वर्धन सिंह, एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान का नाम है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी से इस बार कम नेताओं का मंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण हार है, वो भी पिछली सरकार के 6 मंत्रियों की हार। इसमें स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति और अजय मिश्र टेनी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, जिन्होंने इस बार बीजेपी की मटिया मेट कर दी।